25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन है। 1975 में 24 जून की मध्यरात्रि में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूरे देश को और जेल के रूप में तब्दील कर दिया। 24 जून की मध्यरात्रि में इमरजेंसी देश में लगाई गई। 25 जून प्रातः काल तक हजारों हजारों नेता, सभी पार्टियों के नेता, वो जेल की काल कोठरी में डाल दिए गए। श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी, ऐसे हजारों, और तरह तरह के कानून बनाए गए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर मीसा बना करके कोई अपील ना दलील ना सवाल, और धनाधन लोगों को जेल में डाला गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगाया, अखबारों को बंद कर दिया गया। जिस मीडिया हाउस ने कुछ लिखने की हिमाकत की, उसके मीडिया हाउस को ताले लगा दिए गए। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा दौर आया कि सड़कों पर चलते हुए नर नारियों को पुलिस की गाड़ियों ने उठाना शुरू किया, और जैसे भेड़ बकरियों को उठाते हैं, उठा करके मेडिकल कैंपों में भेजा गया। लाखों लाखों लोगों की नसबंदी, बहनों की नलबंदी कर दी गई। पूरा देश आतंक के साए में था, कोई उफ नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति आन पहुंची, मुझे भी वो अवसर मिला जब हमने छोटी सी साइक्लो स्टाइल मशीन लगाई। उस साइक्लो स्टाइल मशीन के माध्यम से हम A4 का एक पेपर पब्लिश करते थे। प्रतिदिन रात को छापना, रातों रात उसको लोगों के घरों तक पहुंचाना, पुलिस से बचना, छिपते छिपाते सारे काम को करना, पर कब तक छिपते। अंत तो गतवा हमारी टोली को पकड़ा गया और बहुत बड़ी यातनाएं हमको सहन करनी पड़ी। लगभग 4.5 महीने करनाल जेल के अंदर डिफेंस इंडिया रूल ऐसा आपराधिक मामला दर्ज किया जिससे छूटना भी नामुमकिन हो। ऐसी अरे संविधान बदलने की दुहाई देने वाले कांग्रेसियों, आपने तो उस संविधान को ही समाप्त कर दिया। 25 जून को 1975 को आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। लाखों लोगों ने संघर्ष किया, सैकड़ों लोगों का जीवन कुर्बान हुआ, तब जाकर के दोबारा से लोकतंत्र जीवित हुआ। इतना ही नहीं, इस दौरान आपने उस संविधान की मूल भावनाओं को बदलते हुए अनेक धाराओं में परिवर्तन किया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपने संविधान में 50 से ज्यादा बार परिवर्तन किए, और आज बोलते हैं मोदी जी परिवर्तन कर देंगे। आज मैं आग्रह करता, मेरे देश के युवा इमरजेंसी का इतिहास पढ़े, उस समय की लिखी हुई किताबों को पढ़े, किस तरह का अत्याचार कांग्रेस के लोगों ने देशवासियों के ऊपर किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।